Hey guys, welcome back to the channel. My name is Rashid and you watching The Tech Show. Friends, अगर आप भी एक लैपटॉप बाय करना चाहते हैं और आपका बजट 40,000 का है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है. तो फ्रेंड्स, मैंने एक HP का लैपटॉप Amazon से बाय किया था जो कि डिलीवर्ड हो चुका है. ये है HP का लैपटॉप जिसका मॉडल नंबर है 14SDY2506. तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं. अगर पैकिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छे से इसको पैक किया गया है, आप देख सकते हो. तो चलिए फटाफट इसको ओपन करते हैं. यहाँ पे ये बिल वगैरह दिया गया है और ये भी बिल प्रिंट करके लगाया गया है. तो चलिए इसको खोलते हैं. काफ़ी ज़्यादा लंबी इसमें पॉलीथीन का यूज़ किया गया है. इस बिल को निकाल के बाहर रख लेता हूँ और तो मैंने पॉलीथीन को निकाल दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से पैकिंग है और साइड में इसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन है. यहाँ पे देखिए, आप विंडोज़ 11 आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और बात करें यहाँ पे MRP की, तो यहाँ पे 50,000 आपको MRP दिख रहा होगा, बट आपको ऑनलाइन ये 37,000 का मिल जाएगा. यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे शो करी गई हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हो HP लैपटॉप और मॉडल नंबर प्रिंट है. इंटेल का कोर i3 और प्रोसेसर के बारे में, रैम और ये 14H का FSD IPS LED डिस्प्ले है. ये सारी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें अंदर दिखाऊंगा. यहाँ पे हम इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अंडे की ट्रे का टाइप का आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा जिसको मैंने बाहर निकाल लिया है. और यहाँ पे एक बुकलेट है जिसमें यूज़र मैनुअल वगैरह आप कैसे यूज़ करना है ये सारी चीज़ें दी गई हैं. अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं. चलिए इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं इसके अंदर. बाकी तो और कोई चीज़ नहीं है. और ये लैपटॉप का, ओह शिट, खाली बॉक्स निकल आया. ये रहा लैपटॉप का चार्जर. तो इस अंडे की ट्रे की टाइप में ये पैक करके कुछ इस तरह से आया है. ओह, काफ़ी हल्का है और काफ़ी अच्छा है. साइज़ वगैरह काफ़ी छोटा है. तो चलिए इन सारी चीज़ों को रखते हैं साइड में, जो कि है 65W का चार्जर है और इसकी ये पिन है. तो ये दो चीज़ें इस पैकिंग में मुझे देखने को मिल जाती हैं. अगर इसके बॉडी की बात करें तो ये इसकी बॉडी मेटल बॉडी नहीं है, ये फाइबर या प्लास्टिक की इसकी बॉडी है. तो अगर इसके और कलर की बात करें तो कलर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड करता है. जो इस पे HP की ब्रांडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगती है, आप इसको देख सकते हैं. इसके पीछे देखते हैं तो यहाँ पे जो ये दी गई है ये रबर ग्रिप है और यहाँ पे ये विंडोज़ का वाटरमार्क देखने को मिल जाता है. ये इसका एयर वेंट्स दिया गया है. अगर इसके वेट की बात करें तो इसका वेट 1.5 kg है और इसका साइज़ भी काफ़ी सेटिस्फाइड करता है और इतना हैवी नहीं है, आप इसको बैग वगैरह में आसानी से कैरी कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर इसके पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक पावर कनेक्टर मिल जाता है और यहाँ पे एक HDMI और यहाँ पे दो USB पोर्ट और एक टाइप सी और यहाँ पे ऑडियो कॉम्बो जैक आपको देखने को मिल जाता है. फ्रेंड्स, अगर इस साइड की बात करें तो ये यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है. तो चलिए फटाफट देखते हैं इसके अंदर. इसको हटा देते हैं, हटाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेल कोर i3 प्रोसेसर का यूज़ किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे हेल्पलाइन वगैरह नंबर और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है. और
यहाँ पे आपको दो इंटरनल माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं, और ये आपका कैमरा, और यहाँ पे कैमरा लाइट है। और इसकी बात करें इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इसका एलईडी डिस्प्ले 14 इंच का डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको पावर बटन ये देखने को मिल जाता है। तो चलिए फटाफट इसको ओपन करते हैं और इसका सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारा सेटअप कंप्लीट हो गया है, और सेटअप कंप्लीट होने में लगभग 8 से 10 मिनट का समय लगा है। तो चलिए इसके स्पेक की बात कर लेते हैं। के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको प्रोसेसर 11th जनरेशन का इंटेल कोर i3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और इसमें रैम आपको 8 GB मिल जाती है। आपको इसमें रैम के दो स्लॉट देखने को मिलते हैं, और आप इसको 16 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। के स्टोरेज की बात करें तो इसमें 256 GB का PCIe स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल आपको इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले IPS ब्राइटनेस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसकी ब्राइटनेस निट्स आपको 250 निट्स दी गई है। वीडियो क्वालिटी ऑसम है, मैं आपको कुछ सैम्पल्स प्ले करके दिखा देता हूँ और ऑडियो टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बेहतर दिख रही है, और ऑडियो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर। ओवरऑल अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, नो डाउट। आप इसको बाय कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। इसके बैटरी की बात करें तो इसका बैटरी बैकअप 4 घंटे का इसका बैटरी बैकअप है, और कॉम्पैक्ट साइज़ का लैपटॉप है, ज़्यादा हैवी लैपटॉप नहीं है, आप आराम से कैरी कर सकते हो इसको। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।